मसालेदार चिकन फ्राई की रेसिपी जो एकदम टेस्टी और चटकार बनकर तैयार होता है, वो भी कम समय में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ विलेज स्टाइल में मसाला चिकन फ्राई का रेसिपी। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चिकन फ्राई बनाने के लिए यहाँ हमने आधा केजी चिकन ली हूँ और इसे अच्छे से वॉश कर ली हूँ। चिकन में डालने के लिए मैं ली हूँ 3 हरी लाल मिर्च, हरी धनिया पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून नमक, 1 टमाटर का पेस्ट, 3 बारीक कटा हुआ प्याज, लेमन जूस 1 चम्मच, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 तेज पत्ता और खड़ा गरम मसाला में छोटा इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और जीरा 1/2 टीस्पून ली हूँ। चिकन मैरिनेट करने के लिए एक बाउल लूँगी, उसमें चिकन डालकर मैं डालूँगी और उसमें हल्दी मिक्स करूँगी और 1 टीस्पून नमक डालूँगी, लेमन जूस डालूँगी और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और उसे अच्छे से मिक्स कर कवर करके 15 मिनट के लिए रख दूँगी। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही इजी तरीका से मसाला चिकन फ्राई बनाने वाली हूँ, तो मैं इसके लिए एक कढ़ाई ली हूँ और उसमें डालूंगी 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल गरम हो गया है तो उसमें ऐड करूंगी खड़ा गरम मसाला जो मैंने ली थी। खड़ा गरम मसाला डालने के बाद उसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट तक इसे तेल में भूनेंगे। उसके बाद ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है तो इसमें ऐड कर दूंगी अब चिकन और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स हो जाने के बाद इसमें ऐड करूंगी मसाला जो मैं ली थी। मसाला ऐड करके अच्छे से चलाएंगे और उसके बाद ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून। मैं पहले ही चिकन में 1 टीस्पून नमक ऐड कर चुकी हूँ। नमक ऐड करने के बाद इसे चलाएंगे और इसे ढक कर मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 मिनट पका लेंगे। 3 मिनट हो गया है तो इसका ढक्कन हटाकर चलाएंगे। चिकन पानी रिड्यूस कर दिया है तो इसमें ऐड करूंगी टमाटर पेस्ट और अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे लाल हरी मिर्च जो मैं बारीक कट कर ली थी। हरी मिर्च को मिक्स करने के बाद इसे ढक कर दूंगी 5 मिनट के लिए और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। फाइनली चिकन पक चुका है फ्रेंड्स, आप इसका लुक देख सकते हैं। तो अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया पत्ता। आप चिकन को बीच बीच में चला सकते हैं ताकि चिकन जले नहीं। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।